आजकल आपने मोटर बाइक्स में डिस्क ब्रेक तो देखे ही होंगे। किसी बाइक में तो आगे और पीछे दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक लगे होते हैं, लेकिन पहले जो डिस्क ब्रेक लगे आते थे और अब जो डिस्क ब्रेक लगे आते हैं उनमें पहले के मुकाबले बहुत अंतर है। पहले डिस्क ब्रेक ऐसे नॉर्मल होते थे, लेकिन अब इन डिस्क ब्रेक में इतने सारे छेद होते हैं। तो ऐसा क्या ही हो गया कि कंपनी को इनमें छेद करने पड़े? लाएं बढ़िया एनालिसिस, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले के समय में बाइक्स में जो डिस्क ब्रेक आते थे उनमें कोई छेद नहीं हुआ करता था, और जब भी वाहन को रोकने के लिए ब्रेक का यूज किया जाता था तब ये प्लेट बहुत ज्यादा गर्म हो जाती, जिससे अगर कोई व्यक्ति इन्हें छू ले तो उसका हाथ भी जल सकता था, और कई बार तो गर्म होने की वजह से डिस्क ब्रेक काम भी नहीं कर पाते थे। फिर बाद में डिस्क ब्रेक को पतला कर दिया गया, लेकिन कभी कभी ये इतने गर्म हो जाते कि ये पिघल कर गाड़ी से अलग हो जाते। इसके बाद कंपनी ने सोचा कि क्यों न ब्रेक्स में छोटे छोटे छेद कर दिए जाएं। इसके बाद इन ब्रेक्स में छोटे छोटे छेद कर दिए गए ताकि इनसे हवा आर पार हो सके और डिस्क ब्रेक गर्म होकर पिघले नहीं। और छेद वाले डिस्क ब्रेक बिना छेद वाले डिस्क ब्रेक से बढ़िया काम करते हैं और लंबे समय तक टिकते हैं।